अंकल जी, आजकल ना दुनिया में बहुत खराब वक्त चल रहा है। सारे बड़े बड़े लोग जैसे टाटा, अंबानी, माल्यास, मित्तल, इन लोगों को ढेर सा नुकसान हो रहा है। भाई क्या करे, रिसेशन जो है। अंकल मैं सोच रहा था, इन बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां अगर बंद हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे? अरे और क्या करेंगे, टाटा अंकल किसी कूल कैब के ड्राइवर बन जाएंगे और माल्या अंकल बियर बार के वेटर, और माल्या अंकल लोगों को पिला पिला के एकदम सेट कर देंगे। तब टाटा अंकल ही तो आएंगे उन सब पियकड़ों को अपनी कूल कैब में घर छोड़ने के लिए। लेकिन इन सब में से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, भगवान ना करे वो किसी स्कूल के टीचर बन जाए। मुकेश अंबानी स्कूल के मैथ्स के टीचर बन गए, मुझे तो सोचने में भी डर लग रहा है कि वो बच्चों को सम्स कैसे देंगे। चलो बच्चों, 45,000,00,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 25,000,00,000 करोड़ कितने होते हैं? आधे से ज्यादा बच्चे तो जीरो गिनते गिनते बेहोश हो जाएंगे। और जैसे किसी बच्चे ने शैतानी की, मुकेश अंबानी कहेंगे जा अपने पापा को बुला कर ला। क्यों? कंप्लेंट करने के लिए? नहीं, मैं तेरे पापा की कंपनी खरीद लूंगा। और तो और मुझे ये भी पता चल गया है कि जब गब्बर ने कहा कितने आदमी थे सरदार, एक क्यों? पहले तो दो आदमी थे, अब एक कास हो गया। सुअर के बच्चों, सरदार वो क्या है ना, रिसेशन है। अब मेरे पापा को ही ले लो, मम्मी उनसे हर रोज कहती है सुनो ना आप मुझे घुमाने नहीं ले जाते। क्या करूं, रिसेशन है। आप मुझे फिल्म भी नहीं दिखाते, रिसेशन जो है ना। मैंने ये बात सीख ली, मम्मी ने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा और कहा ये क्या, मैथ्स में इतने कम मार्क्स। मैंने कह दिया मम्मी वो क्या है ना, रिसेशन जो है। थैंक यू।